नमस्कार किसान भाइयों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के किलायत जो तहसील है उसके पास लंबाखेड़ी गांव में आए हुए हैं। यहां पे आपको जहां तक भी आपकी नजर जा रही है, ये एक आर्टिफिशियल यहां पे तालाब बनाया गया है जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये आसपास के जितने भी एरिया है हिमाचल प्रदेश तक, वहां का सबसे बड़ा अब तक का फार्म बनाया गया है ये, जहाँ पे लगभग 40 एकड़ की जमीन में यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। हमारे साथ आज हैं भगवती प्रसाद जी, आज हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, पहले एक बार आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम भगवती प्रसाद, मैं मूल रूप से नरवाणा का रहने वाला हूँ और इससे पहले झींगा का काम करने से पहले मेरा PVC सोल जो जूतों के तले होते हैं उनको बनाने की फैक्ट्री थी, उनका व्यवसाय। उस काम में कभी मंदी कभी तेजी, इन बातों को देखते हुए मन में विचार आया कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे इन बातों से बचा जा सके। तो हमने फिर इसके स्टडी की, जानकारी ली और हमने झींगा मछली पालन के बारे में एक बहुत अच्छा काम इसको पाया कि ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। पहले हमने एक साल एक एकड़ के अंदर मात्र जैसे डेमो करके देखते हैं, यहीं पे इसी पिछले साइड में एक एकड़ में यहाँ पर हमने डेमो किया, उसके अंदर हमने पाया कि एक अच्छे मुनाफे का बिजनेस है। फिर यहाँ पे हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनकी जमीन है, मेरे मित्र हैं प्रदीप जी, प्रदीप लांबा जी से मिलके हमने बात की और 40 एकड़ में ये झींगा का फार्म तैयार किया। तो ये एक बहुत अच्छा, जो पारंपरिक खेती किसान करता है उसको छोड़ के एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसके अंदर किसान एक बढ़िया तरीके से आय भी प्राप्त कर सकता है और टेंशन फ्री, जिसको हम कह सकते हैं कि चिंता मुक्त कार्य ये है, इस करना चाहिए किसान। तो सर, आपके दिमाग में जैसे कि ऑलरेडी आप किसी एक व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उस व्यवसाय को बिल्कुल चेंज करके खेती बाड़ी ही दिमाग में क्यों आए, खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो काम है, कभी मंदी कभी तेजी, कभी कोरोना की वजह से बंद, कभी लेबर की समस्या, इस प्रकार का बहुत से झंझट उस कार्य में रहे, तो विचार ये था कि कुछ अलग करना चाहिए। हमने जब स्टडी की तो झींगा को एक अच्छा काम पाया, इसलिए हम इस तरफ आए। तो किसान भाई, एक बात आपको विचार करनी चाहिए कि दो चीजें थी कोरोना के टाइम में, जब मतलब हर जगह मंदी थी कहीं ना कहीं। सर ने बहुत सही बात बोली कि हर जगह मंदी थी, लेकिन दो चीजें थी जहां पे कभी अब तक मंदी नहीं आई है। पहला खेती बाड़ी कृषि, जहां पे मंदी नहीं आई है। आज का हमारा युवा वर्ग है वो शहरों में नौकरी करने के लिए भाग रहा है, ओके, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है खेती बाड़ी, ओके, एक एडवांस फार्मिंग उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अब हम जानकारी लेना चाहेंगे, जो फिश फार्मिंग शुरू करनी लागत आती है, कम से कम किन एरिया से शुरुआत करनी चाहिए और एक लागत आएगी वो कितने तक आ सकती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। नीरज जी, हमने यहाँ पर जो फार्मिंग शुरू की वो एक एकड़ से इसलिए की क्योंकि हमारा लक्ष्य थोड़ा बड़ा था कि हमें 40 एकड़ तक जाना है और हमें यहाँ पर ये इसलिए देखना था कि हमारे लिए ये सूटेबल बिजनेस है या नहीं। ऐसे अगर किसान भाई को शुरू करना हो तो मेरी ये राय है कि वो 2.5 एकड़ से, यानी 1 एकड़ से इसको शुरू करे। 2.5 एकड़ से इसलिए शुरू करे क्योंकि जो सरकार है वो सब्सिडी देती है, जो शेड्यूल कास्ट हैं और महिलाएं हैं उनके लिए 60% और जो अन्य सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 40% जो है सरकार इस पर सब्सिडी देती है, जो कि मिनिमम 2.5 एकड़ पर सरकार इसकी सब्सिडी देती है। तो इसलिए जो सब्सिडी का लाभ उठाना है तो हमें 2.5 एकड़ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पानी की जांच करवानी चाहिए कि हमारा पानी झींगा मछली के लिए सूटेबल है या नहीं, और उसके बाद हमें इसके अंदर बाकी प्रोसेस में जाना चाहिए। जहां तक लागत की बात है तो लागत हम इसको ये कह सकते हैं कि जो पहला साल है हमारा उसमें इसमें 6 से 7 लाख रुपए पर एकड़ का खर्चा आता है, और अगर सब कुछ सामान्य रहे, हम अच्छे से इसको संभालें खेती को, तो हम इसके अंदर 10 से 12 लाख रुपए की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे ध्यान में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो पहले ही साल आपका खर्चा भी निकाल दे और आपको मुनाफा भी दे दे। तो झींगा को इतना बढ़िया बिजनेस मानते हुए इसको करना चाहिए। और खर्चे की अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं, सबसे पहले हमें पौंड तैयार करना है, इसकी खुदाई करवानी है। पौंड को खुदाने के अंदर 40 से 50 हजार रुपये का 1 एकड़ में खर्चा आता है, और उसके बाद जब हम स्टॉकिंग करते हैं सीड की तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं, उसमें 50 पैसे से लेकर 70 पैसे तक का सीड इसमें आता है। तो एक अप्रोक्सीमेट खर्चा ही हम यहां बता पाएंगे, कंफर्म नहीं दे पाएंगे क्योंकि किसान कौन सी कंपनी के साथ जाता है, कौन सा लेता है, वो एक देखने की बात। तो सीड जो है हम पर एकड़ जो है हम यहां पर 1 लाख सीड जो है स्टॉक करते हैं,
तो उसके बाद इसकी फीडिंग का खर्चा और कुछ मेडिसिन इसमें लगती हैं, जो कि बहुत ज्यादा खर्चे वाली चीज नहीं है। फीड इसके अंदर लगभग 2.5 टन से 3-3.5 टन तक फीड इसमें लगता है। ये कुल मिलाकर के 6-7 लाख रुपए पाउंड का बैठता है। अलग अलग कंपनी है, अलग अलग फीड है, अलग सीड है, अलग मेडिसिन है, तो उसमें 6-7 लाख कहने का मतलब यही है कि अगर हम सस्ती के साथ जाते हैं तो 6 लाख तक आ जाता है, और किसी अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं तो 7 लाख तक। और इसमें जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो ये है कि हमारे पास लाइट की व्यवस्था जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मशीनरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। झींगा मछली को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि एरिएशन के द्वारा, एरिएटर चलते हैं पीछे फार्म पे लगे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें ऑक्सीजन उसको प्रॉपर चाहिए होती है, उसके लिए हमें एरिएटर चाहिए होते हैं, तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि सर ने बताया हमें कि एक एकड़ की जो, एक एकड़ में जो खर्चा आता है लगभग 7 लाख के आसपास आता है, और एक किसान भाई का अगर शुरुआत करनी है तो कम से कम 2.5 एकड़ में शुरुआत करनी चाहिए, तो उसका खर्चा लगभग आपका 17-18 लाख रुपए तक के आसपास आएगा। ये जानेंगे कि इन्होंने झींगा मछली को ही क्यों चुना पहली बात, तो उसके बाद इसके पीछे चुनने के बाद क्या रीजन था, उसमें क्या क्या बीमारियां आती है और क्या क्या सावधानियां एक किसान को बरतनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे आपने जो सवाल किया कि भाई हमने झींगा को ही क्यों चुना, सबसे बड़ा एक पहलू जो होता है आदमी के दिमाग में, कोई भी काम करता है तो उसके अंदर मुनाफे का जो पहलू होता है वो ध्यान में रखता है। मुनाफा हो, टेंशन कम, ये चीज किसान के या किसी भी व्यापारी के, कोई भी काम करता आदमी, तो उसके ध्यान में रहता है। झींगा के बारे में जब हमने स्टडी की तो हमने पाया कि झींगा से ज्यादा मुनाफा, अगर मैं कुछ ऐसी बात कहूं कि भाई किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता, एक नंबर के में, दो नंबर में चाहे कोई कितनी भी कमाई करे, तो मेरा ये मानना है कि झींगा से ज्यादा कमाई किसी भी बिजनेस में नहीं। और जहां तक इसमें मुनाफे का मैंने पहलू आपको बताया, आपके अंदर इसमें रिस्क फैक्टर अगर मैं बताऊं, अगर हमारा पौंड मेंटेन है, सारे हम पैरामीटर्स पानी के पूरे करते हैं, तो इसमें 0% संभावना है बीमारी आने की। और अगर उसके बाद भी अगर कोई छोटी मोटी सामान्य बीमारी आती है तो वो सारी की सारी क्योरेबल है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे या हमारे को कोई नुकसान की आशंका है। जैसे हमने देखते हैं कि भाई जो पोल्ट्री का काम करते हैं तो पता चलता है कि रात को सब तो सब कुछ ठीक था और सुबह उनका नुकसान हुआ मिलता है, ऐसा झींगा में नहीं है। कोई सामान्य सी छोटी मोटी बीमारी अगर आए तो वो क्योरेबल है, इसलिए झींगा को प्रेफर करना जरूरी है। अब जो दूसरी मछलियां हैं उसके अंदर उनके फीड की और की कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। मैंने देखा कि फार्मर जो है उसमें चिकन वेस्ट डालते हैं और सस्ते जुगाड़ करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, तो ऐसा इसके अंदर नहीं है। वो चिकन वेस्ट का भी एक थोड़ा सा, मतलब जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फार्मिंग इस टाइप की। झींगा का साफ सुथरा काम है, न पौंड में कोई स्मेल आती है, न कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा काम है, और सामान्य सी जानकारी से, थोड़ी सी जानकारी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे सर ने भी बताया कि सबसे पहले कि बहुत रिस्क फ्री ये खेती है, इस बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मछली की खेती बहुत अच्छी खेती है जिसमें आप मुनाफा कमा सकते हो, इसमें खर्चा अगर बात करें खर्चा बहुत कम है, और बीमारी है जो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ये खेती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत लाभकारी हो सकती है। ऐसी ऐसी वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।